देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ और बहुत ही सिंपल लाइफ जीता हूँ। ज़्यादातर खाना भी सिंपल ही खाता हूँ। बैल कॉलों के साथ मुझे जुड़ते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा मानना है कि खाना जो हम खाते हैं, या जैसे उसका तेल जो सबसे ज़रूरी होता है, वो प्योर हो, शुद्ध हो, उसमें मिलावट ना हो, क्वालिटी हो। ज़्यादातर जो मार्केट में मिलते हैं सरसों तेल के नाम पर, मिक्स्ड ऑयल, वैसे ना हो। ये सब मुझे बैल कॉलों में दिखा। इनका जो विजन है और जो इतने सालों से ये एक लेगेसी ब्रांड बन गया है, लोगों ने इस ब्रांड को इसकी प्योरिटी के लिए पसंद किया है। और ऐसे ब्रांड से जुड़कर अगर हम लोगों को बता सकें कि सही तेल का इस्तेमाल ज़रूरी क्यों है, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बैल कॉलों कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल इज़ द फ्लैगशिप प्रोडक्ट फ्रॉम बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओवर द लास्ट 5 decades और सो द ब्रांड हैज़ ग्रोन टू एंजॉय अ लीडरशिप पोजिशन इन मोस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मार्केट्स। फॉर मैनी फैमिलीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन्स इट हैज़ एंजॉयड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, एंड दैट इज़ बिकॉज द प्योरिटी, द क्वालिटी एंड द वेरी पिक्यूलियर पंजेंसी दैट इट हैज़ बीन एबल टू maintain it very consistently from year to year. The choice of brand ambassadors has been a very interesting and strategic one for Bell Kolu. All the three ambassadors, Mr. Manoj Vajpayee, Mr. Nawazuddin Siddiqui and Mr. Pankaj Tripathi, they are very strong and very distinguished personalities, almost similar to what brand Bell Kolu is all about. And all three of them, they have grown from a very humble background to reach a very greater heights in their careers. Similarly, Bell Kolu has also started from a very grassroots level and then grown to become very popular and a very preferred brand across its markets. ज़िंदगी के सफ़र में दोनों ही तरह की बातें याद रहती हैं, जो या तो बहुत अच्छी होती हैं या बहुत कड़वी। ओए, मेरी बात मान, विलन का रोल पकड़। हद से ज़्यादा मेहनत मशक्कत की, एक और लेते हैं, तो लोगों ने नाम रखा कोल्हू का बैल, वर्कहोलिक। लेकिन इसके पीछे छिपी दीवानगी समझने वाले कम ही होते हैं। लोग आपको याद दिलाएंगे कि आपका शहर और आपकी शुरुआत कितनी छोटी थी। पर उन्हें कामयाबी का ऐसा स्वाद चखाइए कि उन्हें आपका शहर और आपकी शुरुआत दोनों ही याद रखनी पड़े। अच्छे से याद है। कुछ लोग मायूसी में कहते थे जिंदगी ने तेल निकाल दिया यार, तो हम कहते थे बढ़िया है, उम्मीदों के दिए जला लो, मां की प्रार्थनाओं और पूजा के दियों की वो महक कैसे भूल सकता हूं।
जो गांव की नाटक मंडली से लेकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक साथ रही, लोगों का प्यार और भरोसा आपको भूलने ही नहीं देता कि आप एक परफॉर्मर हैं। ये इनाम भी है और जिम्मेदारी भी। कामयाबी से ज्यादा कमियां याद रखें, इसलिए ताकि नाम जितना ऊंचा हो पांव जमीन पर ही रहे। मेहनत के जुनून से कामयाबी के सुकून तक हमारी पहचान का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा। बैल कोल्हू, कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है।